तो अगर आप BGMI को प्ले स्टोर पे सर्च करते हो ना, आपको बिल्कुल भी आपका BGMI नहीं मिलेगा। और भी कुछ वेबसाइट है बोल रही कि भाई BGMI को बैन कर दिया गया है, क्योंकि भाई इसको सारे कहीं से हटा दिया गया है। और भाई देखो, क्राफ्टन ये बोल रहा है कि भाई मुझको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और भाई जो हमारा सर्वर है ये भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, हमारा पबजी वगैरह BGMI सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। सो इसमें सारी सच्चाई बताने वाला हूँ भाई, क्या कैसे हुआ है, और भी BGMI क्या गलती थी, और भी करप्टन वालों ने क्या कहा है, और भी जो हमारे बड़े बड़े भाई यहाँ पे क्रिएटर हैं यानी घातक मोटल वगैरह, इन्होंने क्या कहा है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। सो जैसे कि आप सबको पता है, कल के दिन BGMI को ऐप स्टोर से और भाई प्ले स्टोर से दोनों जगह से हटा दिया था। यानी कि जो BGMI की क्राफ्टन की भाई ऑफिशियल वेबसाइट है ना भाई, वहाँ पे भी आपका BGMI की एप्लीकेशन शो नहीं हो रही थी। अगर शो हो रही थी तो भाई डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो भाई आज मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ भाई, इसके BGMI के साथ क्या क्या, और भाई जो हमारे क्राफ्टन है वो क्या कर रहा है, भाई कौन कौन सी वेबसाइट इसको भाई बैन बता रही है, और भाई सरकार ने इसको बैन क्यों किया, और जो हमारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं जैसे कि जोनाथन भाई हो गया, भाई घासक भाई हो गया, और साथ में हमारा क्रोंटन भाई हो गया, इन्होंने क्या क्या बोला है BGMI को लेकर के, और इन्होंने कौन कौन सी न्यूज़ सुनी, और भाई हमको क्या क्या बता रहे हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जोनाथन भाई ने क्या बोला BGMI के बारे में, ठीक है, उसके बाद घातक और भाई क्रोंटन भाई के बारे में बात करो। बैन हो गया, बैन नहीं हुआ गाइस, बैन नहीं हुआ है, चिल करो ब्रो, डोंट वरी, बैन नहीं होगा। हाँ मुझे भी मतलब ऐसा डर तो है, इतना भी वो मत करो, रो क्यों रहे हो वैसे तुम लोग, आ जाएगा गाइस, डोंट वरी। अभी तक कुछ सिक्योरिटी रीजंस या कुछ होगा इस चीज के वजह से हटाए गए मैं भी ब्रो। कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, डोंट वरी, घातक ने भी। हाँ वैसे लाइक क्या जो होगा जल्दी पता चल जाएगा। तो अगर जब बात करते हैं घातक भाई के ट्वीट के बारे में, देखो BGMI को लेकर के एक उन्होंने बहुत बड़ी न्यूज़ दी है, इन्होंने बोला है कि बट दिस इज नॉट परमानेंट बैन, होप फॉर द बेस्ट। ये अच्छी बात है कि परमानेंट बैन नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी बैन हो 69 के तहत ही लगता है, और भाई 69 के तहत भाई परमानेंट बैन नहीं लगता है। और जो हमारे मोर्टल भाई है भाई, इन्होंने भी एक बात बोली है, रियलिटी कम्स द सोकर बिकॉज द ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि भाई जो हमारी इंडियन यहाँ पे स्पोर्ट है ना भाई, वो सबसे तेज़ी से बढ़ रही थी। और इन्होंने भाई मेटी को भी यहाँ पे टैग करके बोला है कि भाई इसके बारे में जांच करें, ये हमारे इंडियन कम्युनिटी का सवाल है, ठीक है। एंड जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना, वो अभी भी ये बात बोल रही कि जो BGMI है ना, अभी भी सारा का सारा भाई पबजी मोबाइल है, क्योंकि इसकी जो 15% शेयर्स है अभी भी Tencent के साथ है। और जो आपने एक बात सुनी थी कि 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था पबजी खेलने के कारण, वो उनको खेलने नहीं देते भाई, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा केस हुए रखे थे, कभी बड़े बड़े बंदों ने इसके ऊपर केस भी किए थे कि इसको भाई बैन कर दिया जाए क्योंकि वो पबजी है। बट जो हमारी करप्टन है ना, ये जो यहाँ पे इसकी कंपनी है करप्टन, ये भाई आज के दिन एक यहाँ पे मीटअप करने वाली, जो हमारी गवर्नमेंट मेटी है ना, इसके साथ एक मीटअप करने वाली है, अपने सारे के सारे स्रोत बताने वाला कि हमारे गेम में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई जिसको मतलब परेशानी नहीं है, सब कुछ बताने वाली है। और जो जो मतलब कुछ गलती है, अगर वो उसको रिमूव करती है तो भाई एक या दो हफ्ते के अंदर ना हमारा भाई जो BGMI है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते भाई पबजी एंड BGMI की प्रौति के बारे में, जब भी फेरो मोड आता है ना गाइस, तभी पबजी और BGMI के अंदर बैन लगते हैं, क्योंकि पिछली बार भी फेरो मोड आया था तो भाई पबजी बैन हो गया था इंडिया के अंदर, भाई अब भी जब भी फेरो मोड आया ना भाई, इसलिए बैन कर दिया। पता नहीं यार साली प्रौति मोड है, इसको बनाते क्यों है भाई BGMI वाले, क्यों रहते हो। और भाई देखो BGMI वालों ने यानी करप्टन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उन्होंने यहाँ पे 22 तारीख को सर्वर ऑप्टिमाइजेशन मेंटेनेंस नोटिस रखा था भाई, इसको लेकर के भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है BGMI के अंदर, क्योंकि भाई देखो भाई उनको भाई गवर्नमेंट तो जांच रख रही थी इसके बारे में कि भाई आप लोग जांच रखना, ये कैसे कैसे होगा, कुछ इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया, और भी इनके सर्वर लीक वगैरह होते देखे होंगे गवर्नमेंट ने, तो उसको इसी वजह से भाई बैन कर दिया गया है, ठीक है। BGMI को इंडिया के अंदर अभी बैन कर दिया गया। बट ये भाई आपने एक बात और नोटिस की होगी, जब भी कोई भी चीज़ भाई बैन वगैरह होती है ना, जैसे पहले पबजी हुआ था तो भाई उसके सर्वर में सबसे पहले लिखा आ जाता था, बट ऐसा नहीं है, हमारा BGMI अच्छी तरह से चल रहा है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, तो भाई रिमूव हुआ है। बट जो हमारा भाई BGMI है ना, वो बिल्कुल भी उसके सर्वर में कोई भी भाई यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, जिसकी पहले भाई पबजी के अंदर लिखा आ जाता था मेंटेनेंस सर्वर वगैरह कुछ आता था, अब तक BGMI के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है।
है जो कि जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चल रहा है। बस ये सिर्फ यहाँ पे प्ले स्टोर भाई ऐप स्टोर से ही यहाँ पे रिमूव कराया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई जब भी सरकार कोई कदम उठाती है ना भाई वो अपने भले के लिए उठाती है, यानी कि हमारे भले के लिए उठाती है। देखो क्योंकि भाई देखो एक साल हो गया, एक से डेढ़ साल हो गया BGMI को, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जाके कुछ प्रॉब्लम हुई इसके अंदर बट सॉल्व हो जाएगी क्योंकि भाई क्राफ्टर अच्छा काम कर रहा है भाई, जो उसके हमारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना वो भी अच्छा काम करिए, एकजुट मिलकर भाई यहाँ पे सबके साथ बातचीत कर रहे हैं वो अच्छी बात है। और भाई बहुत जल्दी हमारा BGMI गेम है आ जाएगा प्ले स्टोर ऐप स्टोर के अंदर, आपको डरने वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो। जैसे कोई न्यूज आएगी ना BGMI को लेकर के भाई मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब भी कर देना।